Shri Rama, Ramaniya
कर सुभूषा शोत्तम रामा नाथ रमा भव सागर मीदनु नलिन धले क्षण रामा श्री रघुनंदन सीतारमण स्त्रितजन पोषक रामा कारुण्यालय भक्तवरदनिनु कन्नदिकानुपुरामा वासवनुत रामदास पोषक वंदनमयोध्य रामा धासार्चित माकबय मुसंगवे दाशरती रघुरामा दाशरती रघुरामा मेरे बाद ये कहिए राम 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 तो सभी को नमस्कारम। आज रामनवमी है। इस देश में ये एक बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है, लेकिन हर कोई घर में बैठा है और उत्सव का अर्थ कोई खास चीज करना नहीं होता।
आप किसी चीज का उत्सव सिर्फ तभी मना सकते हैं जब आप हंसी खेल करना जानते हों। जहां हंसी खेल नहीं होता वहां कोई उत्सव नहीं हो सकता। परिस्थितियों में भव्यता हो सकती है लेकिन कोई उत्सव नहीं, क्योंकि बिना हंसी खेल के उत्सव नहीं हो सकता। तो ऐसा क्यों है कि हम किसी को याद रखते हैं, उनकी याद में उत्सव मनाते हैं, कुछ हजार सालों के बाद, 6 से 7 हजार सालों के बाद हम इन लोगों को अभी भी क्यों याद कर रहे हैं? उनका क्या महत्व है? वैसे समय के साथ लोग अपनी भावनाएं जोड़ते जाते हैं और इस वजह से धीरे धीरे एक महान इंसान एक भगवान बन जाता है। ये लोगों की एक दुर्भाग्यपूर्ण कमजोरी है कि जो भी शानदार इंसान आता है हम उन्हें भगवान बनाना चाहते हैं, या भगवान का बेटा या भगवान का संदेशवाहक, ताकि हम उन्हें दीवार पर कील से जड़ सकें और हम अपनी जिंदगी अपने अनुसार चलाते रहें। अगर आप उन्हें ऐसे इंसानों की तरह देखते हैं जिन्होंने असाधारण जीवन जिया, तो ज्यादातर इंसानों को अपना सिर शर्म से नीचे झुकाना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक दूसरा इंसान इस तरह जीवन जी सकता है तो मैं ऐसा क्यों हूं? यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठेगा। तो हम उन्हें भगवान बना देते हैं ताकि हम अपनी जिंदगी वैसे ही जीते रहें जैसे हमेशा से जीते रहे हैं। एक हफ्ते घर पर रहना, बस एक हफ्ते का थोड़ा सा अकेलापन। राम 14 साल के लिए वनवास के लिए गए। सोशल डिस्टेंसिंग, कोई महामारी नहीं थी राजनीतिक कारणों से। अभी हर जगह पॉपुलर व्हाट्सएप कल्चर में एक बार फिर से लक्ष्मण रेखा की बात हो रही है, वह रेखा जो सीता के न पार करने के लिए खींची गई थी और उन्होंने पार की और कितनी बड़ी विपत्ति आ गई। ये उदाहरण बिल्कुल सटीक है। अभी सोशल डिस्टेंसिंग एक तरह की लक्ष्मण रेखा है, यानी ऐसी लाइन जो आपको पार नहीं करनी है। जो लोग आप इसे पार करते हैं, चाहे अनजाने में, अज्ञानता के कारण या इरादे से, नतीजे वही होंगे। अस्तित्व की प्रकृति ऐसी ही है, चाहे आप इसे बुरे इरादे से करते हैं या अज्ञानता से। अगर आप कोई एक खास कार्य करते हैं तो नतीजे वही होते हैं जब बात बाहरी दुनिया की होती है, भीतरी दुनिया अलग है। तो भौतिक दुनिया में नतीजे वही होते हैं। नारियल के पेड़ से आप चाहे संयोग से गिरे हों या जानबूझकर, उतनी ही हड्डियां टूटेंगी। जब तक कि आपके बाद एक नारियल भी गिरना तय ना कर ले और आपका सिर तोड़ दे। तो आज राम के जीवन का बहुत सम्मान किया जाता है, लेकिन उनके जीवन काल में उनका जीवन तबाहियों का सिलसिला था। एक युवा राजकुमार, एक निपुण युवक, एक साहसी योद्धा, वे एक सुंदर युवती से शादी करते हैं, लेकिन राजनीतिक कारणों से उन्हें इस राजकुमारी के साथ, वो कोई आदिवासी महिला नहीं है, वो एक राजकुमारी है, राम को उन्हें साथ लेकर जंगल में जाना है। शायद मेरे ख्याल से वो फिर से रामानंद सागर की रामायण टेलीविजन पर दिखा रहे हैं, उसके बारे में भी बहुत विवाद चल रहा है। उस टेलीविजन सीरियल में आप देखेंगे मानो राम और सीता जंगल में हनीमून मनाने के लिए गए हों। गर्म देशों के जंगल वैसे नहीं होते,
मैं वहां रहा हूं। अगर आप जंगल में 2-3 हफ्ते बिताकर वापस आते हैं तो शहर में लोग आपको पहचान भी नहीं पाएंगे। आपकी हालत ऐसी हो जाएगी, सिर से पैर तक कीड़ों के काटने के निशान होंगे और वहां कई चुनौतियां होती हैं। आज जंगल में जानवरों की संख्या कम हो गई है, वरना यह बाघों का देश है, यह हाथियों का देश है। और आपको जंगल में घूमता फिरता देखना उन्हें अच्छा नहीं लगता। आपको बहुत ज्यादा सावधान और सतर्क रहना होगा, वरना या तो आप कुचले जाएंगे या आप एक शानदार नाश्ता बन जाएंगे किसी और के लिए। तो इन हालातों में वो अपनी युवा पत्नी को साथ लेकर जाते हैं और जाकर वहां रहने लगते हैं। ये कोई हनीमून या पिकनिक नहीं है, ये एक सजा है। जैसा कि इतना काफी नहीं था, श्रीलंका के लोग आपके खिलाफ कुछ नहीं है, उन्होंने आकर उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया। जो भी वजह रही हो, हर किसी के पास उचित ठहराने का कारण है, लेकिन ये हुआ। तो वो एक राजा हैं, वो उस किस्म के आदमी नहीं हैं, लेकिन वो एक राजा हैं। भारत में राजा का मतलब है, उस मायने में कहीं भी, उनको अनलिमिटेड शादियां करने की आजादी थी। पुरुष परेशान दिख रहे हैं। सद्गुरु, एक ही? अनलिमिटेड कैसे? लेकिन राजा वैसे थे, तो वो इस तरह के आदमी नहीं थे कि ठीक है ये चले गई, दूसरी खोज लो। वो वैसे नहीं हैं। वो अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, उसे महत्व देते हैं, तो वो उनकी खोज में निकलते हैं। आपको समझना होगा, उत्तर प्रदेश से भारत के दक्षिणी छोर तक ये कोई आसान सफर नहीं है। अयोध्या में वो राम थे, जब उन्होंने आंध्र प्रदेश में प्रवेश किया, आंध्र प्रदेश कर्नाटक में वो रामा बन गए। वो तमिलनाडु आए और लोगों ने उन्हें रामन बना दिया। लेकिन सिर्फ दो लोग, वो और उनके भाई, अपनी पत्नी की तलाश में। ये कोई आसान सफर नहीं था। रास्ता दिखाने के लिए गूगल मैप्स भी नहीं, बस लोगों से पूछ पूछ कर आपको आगे बढ़ना है। हर जगह बिल्कुल अनजान इलाका। वो यहां पहुंचे और फिर उन्होंने देखा कि जिस आदमी ने उनकी पत्नी का अपहरण किया है, उसके पास एक भयंकर सेना है, पूरी व्यवस्था है, लेकिन वो सिर्फ दो लोग हैं। तो उन्होंने तमिल लोगों की मदद मांगी। मुझे तमिल लोगों के बारे में यहां कुछ कहना होगा, क्योंकि दिस इज अ लैंड ऑफ वेरी एग्जुबरेंट एंथुसियास्टिक डिवोटेड पीपल। ये उत्साह और उमंग से भरे समर्पित लोगों की भूमि है। वे इस संस्कृति में ऊपर की ओर नहीं देखते थे, अभी भी नहीं देखते, उस समय तो बिल्कुल भी नहीं। वहां ऊपर कोई भगवान नहीं था, उनका भगवान यहां है, धरती पर। तो वे मिट्टी से जुड़े लोग हैं, भागीदारी, जोश से भरे हुए, लेकिन कोई अजीबोगरीब विचार नहीं। काश हम उसी तरह रहते, लेकिन अब बहुत सारे अजीबोगरीब विचार आ गए हैं। लोगों ने आपको ऐसा महसूस कराया है कि एक जगह है, कहीं और दूसरी जगह जो इससे बेहतर है, इसीलिए हम इसे तबाह कर रहे हैं। तो तमिल लोग जो उस समय वैसे थे, वे अभी भी कई मायनों में वैसे ही हैं। मैं ये दूसरे वॉलंटियर्स और बाकी लोगों का अपमान करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन पिछले 40 सालों में वॉलंटियर्स के साथ काम करते हुए मैंने ये चीज देखी है। हर जगह, हर देश में हमारे पास जबरदस्त वॉलंटियर्स हैं, लेकिन आप देखेंगे कि हमेशा तमिल लोग थोड़े अधिक उत्साही होते हैं। आप सबसे कठिन काम करना चाहते हैं जो कोई भी नहीं करना चाहता, आप देखेंगे कि हमेशा तमिल लोग ही इसे अपने हाथों में लेंगे और पूरा करेंगे। उनमें स्वाभाविक प्रतिबद्धता और भक्ति की एक भावना है, जिसे शायद हजारों सालों के दौरान इस संस्कृति में विकसित किया गया है। और जब राम आए,
तब उन्होंने भी पाया कि वे इस नए आदमी के प्रति इतने समर्पित हो गए जो कहीं और से आया है, और उन्होंने खुद को इसमें शामिल कर लिया। उन्होंने श्रीलंका तक पहुंचने के लिए एक छोटा सा मार्ग बनाया और लड़ाइयां लड़ी। उन्होंने लड़ाई जीती, राम ने पत्नी को वापस पा लिया और वो वापस चले गए। उसके बाद वो एक साल के पश्चाताप के लिए चले गए। तब उनके भाई लक्ष्मण ने पूछा, आप किस चीज का पश्चाताप कर रहे हैं? आपने एक बुरे आदमी को मारा है, आप किस चीज का पश्चाताप कर रहे हैं? राम ने कहा, हां, उसमें कई सारे बुरे गुण थे, उसका अहंकार, उसका घमंड और वो सारी चीजें, लेकिन वो एक भक्त है। मैंने एक भक्त को भी मार दिया, शिव का एक महान भक्त। एक स्तर पर मैंने एक भक्त की हत्या की है। उसके लिए एक साल वो हिमालय में तपस्या करने चले गए। क्या आप विश्वास कर सकते हैं, 14 साल तक बाहर जंगल में रहने के बाद कोरोना की तरह 14 दिन नहीं, कोरोना का आइसोलेशन 14 दिनों का है। उसमें ही लोग देश में झगड़े कर रहे हैं और उपद्रव पैदा कर रहे हैं। 14 साल का आइसोलेशन एक राजा के लिए, अब वो एक और साल के लिए जाते हैं क्योंकि उन्होंने एक भक्त की हत्या की है, वो आदमी जिसने उनकी पत्नी को चुराया था। वो इस तरह के इंसान हैं। जैसे कि ये काफी नहीं था, राजनीतिक परिस्थितियां विकसित हुई। जब उनकी पत्नी पूरी तरह से गर्भवती हैं, तब राम को एक बार फिर से उन्हें जंगल भेजना होगा। अकेले दोनों अलग हो गए। एक राजा के लिए रानी का गर्भवती होना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि राज्य के लिए उत्तराधिकारी का होना बहुत बड़ी बात है। पता नहीं कि वो लड़का है या लड़की या क्या है, कोई सोनोग्राम नहीं। उन्होंने उन्हें जंगल भेज दिया। वहां वे जुड़वा बच्चों को जन्म देती हैं, अनजाने में वे लगभग उन्हें मार ही देते हैं, उनके साथ युद्ध करते हैं। अगर आपको वास्तव में कुछ ऐसा भयंकर करना है जिसका आपको अपनी पूरी जिंदगी में पछतावा हो, तो वो ये होगा कि जाने या अनजाने में आपने अपने ही बच्चों की हत्या कर दी। उन्होंने लगभग ऐसा कर ही दिया था, और उनकी जान से प्यारी पत्नी, जिसके लिए उन्होंने 3,000 किलोमीटर का सफर किया, लड़ाई की और उन्हें वापस पाया, राम ने फिर कभी उन्हें नहीं देखा। सीता उन्हें देखे बिना ही मर गईं। उनका जीवन तबाहियों का सिलसिला है। ज्यादातर इंसानों के लिए अगर उनमें से कोई एक घटना हो जाए जो उनके साथ हुई, तो वे घबरा जाएंगे। वे गुस्सा, नफरत, चिंता, डर, हर तरह की नकारात्मक भावनाओं से भर जाएंगे। लेकिन राम ने पूरा संतुलन बनाए रखा। उन्हें आज भी इस देश के राजाओं में सबसे अच्छे प्रशासकों में से एक माना जाता है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि जीवन ने उनके साथ क्या किया, वे अपने भीतर कैसे थे। उन पर आने वाली भारी पीड़ा के बावजूद उन्होंने इस पीड़ा को दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचाया। तुमने मुझे चोट पहुंचाई है, तो मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा, ये तरीका नहीं है। मेरे साथ जो कुछ भी होता है, मैं शांतिपूर्ण रहता हूं, पूरे संतुलन में होता हूं, और जो सबसे बेहतर हो सके वो करता हूं। यूथ एंड ट्रूथ के दौरान लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि क्या उन्होंने अपनी पत्नी के साथ सही व्यवहार किया, क्या परिवार के साथ ऐसे पेश आया जाता है। अगर आप बस कोई आम आदमी हैं, तो ये एक अच्छा सवाल है, लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा राजा या देश का एक ऐसा नेता हो, एक नेता जो अपने देश को अपने परिवार से ऊपर रखता है, हमें ऐसा ही नेता चाहिए। हम एक ऐसा ही नेता चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं जो अपने परिवार को देश से ऊपर रखता हो। तो उन्होंने ऐसा ही नेतृत्व दिखाया। वो आसानी से इसे ठुकरा सकते थे या उन बातों को अनसुना कर सकते थे जो उनके और उनकी पत्नी के बारे में कही जा रही थीं, और अपनी पत्नी को अपने साथ रख सकते थे क्योंकि वो उनके लिए मायने रखती हैं। नहीं, उन्होंने अपने परिवार और अपने
अजन्मे बच्चों की कुर्बानी दे दी देश की खातिर। किसी भी देश के लिए आपको इसी तरह का नेता चाहिए, और इसी संतुलन के कारण, अपने जीवन में उद्देश्य और कर्तव्य की इस भावना के कारण, हम आज भी उनका सम्मान करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। आज उनका जन्मदिन है। लेकिन दक्षिण भारत के लोग जिन्होंने उनकी सेवा की, उनमें से एक उनके साथ चले गए। आज वो पूरे देश में एक सुपर हीरो बन गए हैं, हनुमान। लेकिन राम के समय के बाद धूर्त दिमाग वाले कुछ लोगों ने दक्षिण भारत के लोगों को, जो 6,000-7,000 साल पहले यहां रहते थे, बंदरों के रूप में दिखाया। इसलिए दक्षिण भारत के लोग अभी भी इससे थोड़ा परेशान हैं। उन्हें राम से प्यार है, लेकिन जिस तरह से उन्हें चित्रित किया गया, उससे वे थोड़े नाराज हैं। लेकिन साथ ही वे इस बात का मजा भी लेते हैं कि वो चाहे जो भी कहें, वो एक दक्षिण भारतीय व्यक्ति की सबसे बड़े हीरो के रूप में पूजा करते हैं। आज अगर वे एक चुनाव भी जीतना चाहते हैं तो वे हनुमान की कीर्ति के गीत गाते हैं। आज भी तो दक्षिण भारतीय सुपर हीरो को अभी भी पूरे देश में पूजा जाता है, दरअसल पूरी दुनिया में। यहां तक कि अमेरिका के एक राष्ट्रपति भी एक समय में हनुमान की एक छोटी सी मूर्ति अपनी जेब में रखते थे। हाँ, तो आज रामनवमी है, ये अद्भुत है। आप वनवास पर भी नहीं हैं, सिर्फ घरवास। अजीब हरकतें मत कीजिए, क्योंकि देखिए पक्षी कितने खुश हैं, बाकी सारे जानवर खुश हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कल सुबह मुंबई के पेडर रोड में क्या हुआ। वीडियो देखिए। क्या वे खुश नहीं हैं कि आप मौजूद नहीं हैं? तो आप ईशा योग केंद्र में देख सकते हैं कि वो हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि हम सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, केवल आज ही नहीं, हमेशा सभी प्राणियों से। मोर, सांप, बाकी सभी यहां बहुत खुश हैं, क्योंकि हमने उनके साथ थोड़ी दूरी बना रखी है, उन्हें अपना जीवन जीने की अनुमति दी है, हमने उनके साथ रहना सीख लिया है। तरह के प्राणी, शहरों के मामले में ऐसा नहीं है। तो मुंबई की एक बिजी सड़क पर सुबह 8:30-9 बजे अगर एक मोर नाच सकता है, तो आप शिकायत नहीं कर सकते कि दुनिया खराब हो रही है। तो बहुत से लोग इस बात से बहुत बुरा मान जाने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि शेयर बाजार में क्या हो रहा है? मुझे पता है, वहां नुकसान और दर्द है। हाँ, बहुत से लोगों ने अपनी संपत्ति खो दी है, बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो सकते हैं। अगर हम इसे ठीक से मैनेज नहीं करते तो यह भुखमरी का कारण बन सकता है। ये सारी परिस्थितियां हैं, लेकिन जीवन इसी बारे में है। आज रामनवमी है, चलिए हम एक गुण लेते हैं। जब चुनौती भरा समय आता है, आप उस तरह की चुनौतियों का सामना नहीं कर रहे जैसा राम ने अपने जीवन में किया। ये सरल है। शायद 14 दिन, शायद 21 दिन, शायद 42 दिन, बस आपको रहना है अपने खुद के घर में। हेलो, आप इस बारे में शिकायत नहीं कर सकते। हम आपको जाकर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं कह रहे, हम आपको बिना किसी सुरक्षा के जंगल में जाकर रहने के लिए नहीं कह रहे, अपने खुद के घर में। आपकी समस्या परिस्थिति के बारे में नहीं है, आपकी समस्या यह है कि आपका दिमाग ऐसी स्थिति में है
कि आप काम पर जा रहे हैं तो शिकायत कर रहे हैं, आप घर पर बैठे हैं तो शिकायत कर रहे हैं। चलिए इसे बदलते हैं। अब जब आपका इससे सामना हो रहा है, चलिए इसे बदलते हैं। उस दिन का इंतजार मत कीजिए, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल मैं बाहर जाऊंगा। शायद आप जा सकें, शायद आप न जा सकें, अभी हम नहीं जानते। हमने सोचा कि हम जा सकेंगे, लेकिन पिछले 2 दिनों में कुछ लोगों ने देश में वायरस की गति पूरी तरह से बदल दी है, तो हमें नहीं पता कि हम 15 अप्रैल को बाहर जा सकेंगे या नहीं। हम आंशिक रूप से बाहर जाएंगे या पूरी तरह से बाहर जाएंगे या बिल्कुल बाहर नहीं जाएंगे, हमें नहीं पता। लेकिन पहली बात यह है कि ये एक चीज आपको करनी ही चाहिए। इस एक चीज के आप हकदार हैं कि आपका खुद का अपना अनुभव एक शानदार अनुभव हो। ऐसा होना ही चाहिए। इस वजह से नहीं कि आप क्या करते हैं या आपके पास क्या क्या है, आप जो हैं बस उसकी वजह से। ये एक चीज आपको खुद के साथ करनी ही चाहिए। अगर आप खुद के साथ ऐसा नहीं करते तो शायद आपके पास कई चीजें हों, लेकिन आप कभी भी सहज नहीं होंगे। अगर आप ये नहीं जानते कि सहज यानी ईज में होना क्या है, तो आप डिजीज में हैं। शायद आपके अंदर वायरस ना हो, लेकिन अगर आप ईज में नहीं हैं, तो आप डिस ईज में हैं। अगर आप डिस ईज में हैं, तो शायद आप मेडिकली स्वस्थ हों, लेकिन एक जीवन के रूप में आप बीमार हैं। चलिए समय का उपयोग करें जो हमारे पास है। जब आपके पास कोई बाहरी मांग नहीं है, तो हम इस समय का उपयोग इस एक व्यक्ति को रूपांतरित करने के लिए करें। मैं आपको दुनिया को बदलने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैंने दुनिया को बदलने का यह पागलपन भरा काम अपने हाथों में लिया है। देखिए मैं कितना असफल रहा हूं। आज लोग कह रहे हैं कि हमने 1 अरब से अधिक लोगों को छुआ है, लेकिन मेरा इरादा पूरी मानवता के रूपांतरण का था। 1 अरब लोग, 1 अरब लोग सिर्फ 16-17% हैं, शायद पूरी आबादी का इतना ही या उससे भी कम। मेरे जीवन के इस पड़ाव में अगर मैं 16% पर हूं, तो मैं निश्चित रूप से एक असफलता के रूप में मरूंगा, लेकिन मैं एक आनंदपूर्ण असफलता के रूप में मरूंगा, ये बात तय है। ऐसा हुआ था, आप में से जिन लोगों को नहीं पता, कुछ 38-39 साल पहले मैं बस एक जगह पर बैठा था और बिना किसी कारण के मेरे अंदर परमानंद फूट रहा था। मेरे शरीर की हर कोशिका से परमानंद टपक रहा था। तो मैंने उस समय सोचा कि ये क्या है। कुछ समय बाद मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं अपने मन के साथ छेड़छाड़ नहीं करता तो मैं परमानंद में होता हूं। अपने मन के साथ छेड़छाड़ न करने का मतलब बस इतना है। देखिए, आपके पास 2 महत्वपूर्ण क्षमताएं हैं जो सिर्फ इंसानों के पास होती हैं। किसी दूसरे प्राणी के पास ये क्षमता नहीं है। ये क्षमताएं हैं बहुत ही स्पष्ट याददाश्त और एक शानदार कल्पना शक्ति। अब घर पर बैठे बैठे आप इन दोनों क्षमताओं से ही दुखी हैं, आपकी याददाश्त और आपकी कल्पना। आपको उन चीजों का दुख है जो 10 साल पहले हुई थीं। ये मत सोचिए कि आप जीवन से दुखी हैं, आप अपनी खुद की याददाश्त से दुखी हैं। आपको पहले ही उन चीजों का दुख है जो शायद परसों हों। आप जीवन से दुखी नहीं हैं, आप अपनी कल्पना से दुखी हैं। तो आप अपने पास मौजूद उन महत्वपूर्ण क्षमताओं से दुख पा रहे हैं जो आपको इस धरती पर एक अनोखा जीवन बनाती हैं, एक बहुत स्पष्ट याददाश्त और एक शानदार कल्पना शक्ति। आपको इसी से दुख हो रहा है। जब आपको अपने आशीर्वादों का दुख होता है, आपको कोई श्राप नहीं मिला, जब आप खुद को मिली सबसे ऊंची चीजों से दुखी होते हैं, तो फिर क्या बचा है, क्या बचा है? राम का यही महत्व है। बाहर शायद जीवन तबाहियों का सिलसिला हो, लेकिन भीतर आप अपनी बुद्धि, अपनी याददाश्त और अपनी कल्पना का उपयोग करते हैं, और सबसे बढ़कर ये विशेषाधिकार कि हम इस ग्रह पर
सबसे विकसित प्राणी हैं, ये कोई छोटा विशेषाधिकार नहीं है। नंबर वन स्थान। इस पृथ्वी पर एक इंसान होने का मतलब है प्रकृति ने आपको नंबर वन स्थान पर भेज दिया है, इसका यही मतलब है। मुंबई की सड़कों पर मोर नाच रहे हैं, कम से कम अपने घर के अंदर कुछ कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग रखकर, क्योंकि मैं आपको बॉल डांस या टैंगो करने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप बस नाचने की खुशी के लिए नाचिए, आप जो चाहे वो कीजिए, लेकिन आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, यानी यू नो हाउ टू बी, आप जानते हैं कि कैसे होना है। अगर आप जानते हैं कि कैसे होना है तो आप निश्चित रूप से खुद को आनंदित रखेंगे। यही आपको करना चाहिए, क्योंकि आप खुद के लिए इसके देनदार हैं। ये एक चीज होनी ही चाहिए, ये आपका मौलिक जन्मसिद्ध अधिकार है कि इस ग्रह पर आपका जीवन का अनुभव सुखद हो। राम इसी का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसे दर्शाते हैं। आज रामनवमी के दिन आइए हम ये संकल्प लें कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कोरोना का किस्सा क्या रूप लेगा, ये कमबख्त वायरस कैसे जाएगा, हम अभी भी नहीं जानते, क्योंकि बहुत सारे गैर जिम्मेदार लोग हैं जो बिल्कुल बेतुकी और मूर्खतापूर्ण चीजें करते हैं। उन सभी के साथ हम नहीं जानते कि ये वायरस हमारे साथ किस तरह का खेल खेलेगा, लेकिन हम अपने भीतर किस तरह का खेल खेलते हैं, आइए आज इसे ठीक करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सद्गुरु, यह सवाल अनूप ने पूछा है। नमस्कारम सद्गुरु, मैंने इनर इंजीनियरिंग की है और मैं अपने परिवार को भी यह करवाना चाहता था। हालांकि लॉकडाउन के कारण हम इसके बजाय इनर इंजीनियरिंग ऑनलाइन के बारे में सोच रहे हैं। क्या आप इनर इंजीनियरिंग ऑनलाइन और इसके फायदों के बारे में कुछ बता सकते हैं? आपने लॉकडाउन का इंतजार क्यों किया? अगर आपको इनर इंजीनियरिंग से बहुत फायदे हुए थे तो आपने इसे अपने परिवार को भेंट करने के लिए इतना इंतजार क्यों किया? अब जब आप अपने परिवार के साथ बंद हो गए हैं, अब आप उन्हें बदलना चाहते हैं। मैं इस इरादे की सराहना करता हूं, लेकिन वास्तव में अगर आपने वास्तव में इनर इंजीनियरिंग को आत्मसात कर लिया है, उसके मूल सत्व को, तो जरूरी नहीं है कि आपके परिवार वाले इसे करें। आप इसे कीजिए, बस आप अपनी उपस्थिति से ही लोगों को रूपांतरित कर सकते हैं। जाहिर है ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो उन्हें भी इसे करना होगा। सौभाग्य से इनर इंजीनियरिंग का तैयारी वाला हिस्सा ऑनलाइन है, ऑनलाइन भी उपलब्ध है, तो उन्हें उसे करने दीजिए। इसके क्या फायदे हैं? तो ये हम इसे वनवास नहीं कह सकते। लॉकडाउन के लिए पारंपरिक शब्द क्या है? शायद कोई शब्द नहीं है। वैसे भी आप घर में ही हैं। अगले कुछ हफ्तों का ये घरवास का अनुभव आपके लिए सुखद हो जाएगा अगर वे सभी इनर इंजीनियरिंग ऑनलाइन में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि इनर इंजीनियरिंग ऑनलाइन वह हिस्सा है। इनर इंजीनियरिंग की प्रक्रिया में शरीर, मन, भावना और ऊर्जा शामिल हैं। हमें शरीर और ऊर्जा के साथ जो करना है उसके लिए हमें आपके सामने होना होगा, क्योंकि ये एक प्रकार का ट्रांसमिशन है, ये कोई शिक्षा नहीं है। लेकिन हम मन और भावना के साथ जो करते हैं वो एक तरह की शिक्षा है जिसे आप ऑनलाइन अनुभव कर सकते हैं। ज्यादातर इंसानों के लिए अगर उनके सोचने और महसूस करने का तरीका बदल जाए तो आप देखेंगे कि उनके जीवन में एक जबरदस्त बदलाव आया है। अभी अगर आप वो सोच सकें जो आप चाहते हैं, मजबूरी में या कुछ और नहीं, तो आप स्वाभाविक रूप से आनंदित होंगे। अगर अभी आप अपनी भावनाओं को बहुत सुखद रख सकें
अरे आपका घर इतना सुखद होगा। तो सभी मानसिक और भावनात्मक फायदे जो स्वाभाविक रूप से सामाजिक बर्ताव में भी दिखते हैं, ये सारे फायदे हैं ऊर्जा का आयाम और भौतिक पहलू, उसे डायरेक्ट ट्रांसमिशन के रूप में करना होता है। ये ऑनलाइन नहीं सिखाया जाएगा क्योंकि उसके कई मायने हैं। शांभवी महामुद्रा आपको अलग से सीखनी होगी, लेकिन इनर इंजीनियरिंग ऑनलाइन आपके सोचने और महसूस करने के तरीके को बदल देगा। ज्यादातर लोगों को लगता है कि यही सबसे बड़ा रूपांतरण है। अगर कोई अलग ढंग से सोच पाता है और महसूस कर पाता है और वे सुखद इंसान बन जाते हैं, तो लोग आमतौर पर कहते हैं कि वो एक आध्यात्मिक इंसान है, वो बहुत शानदार है। नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ एक सामान्य इंसान है। दूसरे अभी भी विकसित हो रहे हैं। अगर कोई इंसान जागरूक है, वो सोचता है जो वो चाहता है, मजबूरी में नहीं, और अपनी भावनाओं को वैसे रखता है जैसा वो चाहता है, तो ये सिर्फ एक इंसान है। ऐसा नहीं है कि उसने कोई सिद्धि हासिल कर ली है, नहीं, वो सिर्फ एक इंसान है। दूसरे लोग जो वैसा सोच भी नहीं सकते, महसूस भी नहीं कर सकते जैसा वो चाहते हैं, ये एक विकास का मुद्दा है। तो इस विकास के मुद्दे को इनर इंजीनियरिंग ऑनलाइन कार्यक्रम के जरिए परिवार में, देश में और दुनिया में संभाला जा सकता है। नमस्कारम। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो।